वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज आई नैन और आप देख रहे हैं हमारा आपका प्यारा सा YouTube चैनल द चैलेंजर जोन, लर्न टू चैलेंज विद योर नॉलेज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का पोएट्री माई मदर एट 66, जिसको कमला दास ने लिखा था, उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन विद वर्ड मीनिंग्स देख चुके थे। आज हम लोग उसी पोएम के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जानेंगे, जिसके हेल्प से एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर समझने में और क्वेश्चन आंसर लिखने में हेल्प होगी। हम लोग इस वीडियो में पोएम में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स को देखेंगे। हम लोग पोएम का थीम को जानेंगे। हम लोग पोएम का कुछ यूनिक बातों को जानेंगे जो इस पोएम में यूज हुआ है। हम लोग पोएम का पोएटिक डिवाइसेस को जानेंगे, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज किया गया है, कहां कहां पे यूज किया गया है। उसके बाद हम लोग पोएम का कुछ इंपॉर्टेंट वन मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोग को एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल वन मार्क्स क्वेश्चंस और स्टेंजा वाले क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स के आते हैं उसके लिए बनाया गया है। इस वीडियो के बाद आप स्टेंजा वाले क्वेश्चन हो या फिर वन मार्क्स के क्वेश्चन हो, सारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग पोएम से इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स देख लेते हैं। डोज, स्लीप लाइटली, एसेन लाइक एस और कलरलेस। कॉप्स, डेड बॉडी, स्पिलिंग आउट, रशिंग आउट, स्प्रिंटिंग, मूविंग विद फास्ट पेस और रनिंग, वेन कलरलेस। एक पेन, मेरी हैप्पी और जॉयफुल। अब आगे हम लोग पोएम का थीम देख लेते हैं। हालांकि पोएम का थीम को हम लोग लास्ट वीडियो में डिटेल में समझे थे, आप थीम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। थीम ऑफ पोएम, फियर ऑफ सेपरेशन, प्रॉब्लम्स ड्यू टू एजिंग। थीम के बाद हम लोग पोएम का यूनिकनेस पर आते हैं। आप लोग पोएम पढ़ते वक्त गौर किए होंगे कि होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमाज, पूरा पोएम एक सिंगल सेंटेंस में है। विराम देने के लिए सिर्फ कॉमा का यूज किया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसे कमला दास क्या बताना चाहती है वो देखते हैं। इट इंडिकेट्स अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ थॉट दैट रन्स थ्रू आउट, ये हमारे थॉट्स के उस धाराएं को इंडिकेट करते हैं जो हमारे माइंड में लगातार चलते रहते हैं। पोएम में पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा यूज किया गया है उसको जानने से पहले जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइस क्या होता है। पोएटिक डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। हाँ, वही अलंकार जो आप 9th एंड 10th में पढ़े थे हिंदी ग्रामर में। पोएटिक डिवाइसेस पोएम्स को अट्रैक्टिव बनाने में काम आता है। बाकी पोएटिक डिवाइसेस को डिटेल में इसके सेपरेट वीडियो में जानेंगे। इस पोएम में टोटल 4 पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, वो हैं सिमिली, पर्सनिफिकेशन, अलिटरेशन एंड रिपीटेशन। सिमिली को 2 जगह यूज किया गया है। पहला, हर फेस इज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स वाले फ्रेज में, जिसमें कंपेयर किया गया है मदर के फेस को एक डेड बॉडी से। दूसरी बार यूज किया गया है इज अ लेट विंटर्स मून वाले फ्रेज में, जिसमें भी कंपेयर किया गया है मदर के फेस को एक लेट विंटर मून से। यहाँ से समझा जा सकता है कि सिमली वैसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम लोग लाइक एज जैसे वर्ड्स का यूज करके कंपेयर करते हैं किसी 2 चीज़ों में। पर्सनिफिकेशन भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम लोग नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन के जैसा दिखाते हैं। पोएम का एक फ्रेज है
एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ट्रीज जो रियलिटी में मूव भी नहीं कर सकते हैं उसको ह्यूमन के जैसा दौड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ट्रीज को पर्सनिफाई किया गया है ह्यूमन के जैसा। पोयम में जब भी किसी लाइन में एक ही लेटर से एक से ज़्यादा वर्ड्स शुरू किए गए हों तो वो अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस के अंदर आते हैं। फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर, यहाँ पर एक ही लाइन में दो दो एप से शुरू किया हुआ वर्ड्स है। फैमिलियर एंड फियर, यहाँ पर अलिटरेशन यूज किया गया है। फोर्थ वन पोएटिक डिवाइस जो यूज किया गया पोएम में वो है रिपीटेशन, जो पोएट लास्ट में यूज की है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में। अब हम लोग पोएम से आने वाले वन मार्क्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये वन मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टेंजाज के अंदर आते हैं और लगभग हर बार रिपीट कर जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ हम लोग जब स्टेंजाज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम और पोएट का नाम बताइए। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएट इज कमला दास। पोएम का नाम है माई मदर एट 66 और इसकी पोएट है कमला दास। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ ड्राइव करते हुए जा रही थी। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट, वो जो पोएट है वो अपने पेरेंट के घर से ड्राइव करते हुए कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई, ट्रीज स्प्रिंटिंग क्या बतलाता है। द फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाइज टाइम विच हैज पास्ड एट अ फास्ट पेस, ट्रीज स्प्रिंटिंग टाइम के लिए यूज किया गया, वो टाइम बतलाता है, जो वैसा टाइम जो तेजी से बीत गया है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था, उनका बचपन का डर क्या था। द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज दैट शी वुड लूज हर मदर, पोएट का बचपन का डर ये था कि वो अपनी माँ को खो देगी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून को एक्सप्लेन कीजिए। इसको मैं लास्ट वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर से कर देता हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ विंटर द ब्राइटनेस ऑफ द मून फेड्स ड्यू टू एक्सेसिव फॉग, विंटर के लास्ट कुछ दिनों के टाइम कोहरा ज़्यादा होने के कारण, फॉग ज़्यादा होने के कारण मून का चमक कम हो जाता है, ब्राइटनेस फेड हो जाता है। द पोएट्स मदर फेस ऑल्सो बिकम पेल एंड डल लाइक दैट ऑफ लेट विंटर्स मून, पोएट की माँ का फेस भी बेरंग और उदासीन हो गया था उस मून के जैसा जो विंटर में दिखाई पड़ता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, पोएट के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे अपने मदर के लिए। पार्टिंग वर्ड्स मतलब होता है वो शब्द, वो बातें जो हम लोग किसी को बोलते हैं उनसे अलग होते टाइम। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स वर सी यू सून अम्मा, उनका पार्टिंग वर्ड्स था अम्मा मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूंगी। शी गेव होप टू हर सेल्फ एंड हर मदर दैट दे विल मीट सून, वो इतना कहकर खुद को और अपनी माँ को ये उम्मीद देती है कि वो लोग फिर ज़रूर मिलेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द रिपीटेड यूज़ ऑफ द स्माइल मीन, पोएम का लास्ट में स्माइल को रिपीट करके लिखने का क्या अर्थ था। ये क्वेश्चन वन मार्क्स के अलावा थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डिटेल में समझने के लिए लास्ट वीडियो पोएम का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। स्माइल को तीन बार रिपीट किया गया है, हर फर्स्ट स्माइल इज ड्यू टू रियलाइजेशन दैट हर मदर बिकेम ओल्ड, उनका पहला स्माइल रियलाइजेशन के कारण कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। हर सेकेंड स्माइल इज टू शो हर सेल्फ ब्रेव
एंड हाइड हर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ हर मदर। उनका सेकेंड स्माइल, वो अपने आप को ब्रेव दिखाने और अपने फीलिंग्स को माँ के सामने से छुपाने के लिए की। हर लास्ट स्माइल इज टू गिव होप टू हर सेल्फ एंड हर मदर दैट दे विल मीट सून। उनका लास्ट और थर्ड स्माइल उम्मीद देने वाली थी कि वो अपने मदर से जल्द जरूर मिलेगी। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज फैमिलियर एक मीन? फैमिलियर एक कहने का क्या मतलब है? द फ्रेज फैमिलियर एक मीन्स द सिमिलर पेन एंड फियर ऑफ सेपरेशन ऑफ द पोएट फ्रॉम हर मदर विच सी हैड फेल्ट इन हर चाइल्डहुड। फैमिलियर एक कहने का मतलब है वो पोएट का अपनी माँ से अलग होने का वही डर लगना जो उन्होंने बचपन में महसूस किया था। वो डर और दर्द आज उन्हें जाने पहचाने लग रही थी। दोस्तों, आज के वीडियो में जितना चीज़ सीखें, अगर आप लोग उसे याद रखते हैं तो एग्जाम में आने वाले स्टेंजा से सारे क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं वो नहीं छूटेंगे अगर इस पोएम से आए तो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो से कुछ सीखे हो तो लाइक कर दीजिएगा, डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसा सभी चैप्टर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.